करवा चौथ 2023। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। इस प्रकार साल 2023 में 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग के लिए करवा माता की पूजा अर्चना करती हैं, साथ ही उनके नियमित व्रत उपवास रखती हैं। पूर्व समय में केवल विवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती थी। वर्तमान समय में अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति की आयु लंबी होती है। वहीं अविवाहित युवतियों की न केवल शीघ्र शादी हो जाती है बल्कि मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है। अतः देश भर में विवाहित और अविवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। आइए आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा का विधि विधान बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर शुरू होगी और अगले दिन 1 नवंबर को 9:19 पर समाप्त होगी। अतः 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा का समय 5:44 से 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 8:26 पर है। चलिए अब आपको हम करवा चौथ की पूजन विधि बताते हैं। करवा चौथ के दिन प्रातः काल ब्रह्मा बेला में उठें और करवा माता को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इस समय सास द्वारा दिए गए अल्पाहार भोजन ग्रहण करें। सूर्योदय के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें। सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत संकल्प लें। इस समय से व्रत करें। संध्या काल में स्नान ध्यान के बाद 16 श्रृंगार कर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के समय एक चौकी पर जल से भरा लोटा रखें और थाली में रोली, गेहूं, चावल से भरा मिट्टी का करवा ढक्कन समेत रख लें। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर करवा सास के पैरों में पड़कर सासू माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि के समय चंद्रमा निकलने पर अर्घ देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करें। इसके पश्चात भोजन करें। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी करने से पहले आप अपने पंडित जी या ज्योतिष आचार्य से सलाह जरूर लें।